बैक टू चैनल गाइज, होप यू गाइज डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो सुबह के बजे 10:40 और पहले आप लोग बता कि कल का वीडियो देखे कि नहीं। हम जो कल हम लोग लगभग कितना 6 मिनट का हम लोग गाना बनाए हैं और उसमें 5 या 6 गाना होगा, ठीक है। ज़रूर जाके देख लीजिएगा पहले, उसके बाद ही वीडियो देखिए। सो अभी सुबह सुबह जिसको बताए थे कि आज मेरे भाई चल जा रहे हैं, सो ये हम लोग साथ आए, इसकी मम्मी नहीं आई थी। सो इसकी मम्मी अभी जस्ट आई है, बेचारा अभी थोड़ा रोएगा। तो सॉरी, अभी बेचारा रोएगा कि चल जा रहा है बेचारा। ये कल भी रह सकता था लेकिन इसका थोड़ा प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा 19 तारीख से ये स्कूल स्टार्ट है और एक नया अपडेट आया है कि हम लोग का जैसे कि 60 स्टूडेंट से एक एक क्लास में मतलब वही सेक्शन में तो हाफ ऑफ कर दिया गया है, 1 से 30, 30 to 60। तो मेरा रोल नंबर और शुभम का रोल नंबर 30, 33 और 55 है। तो हम लोग बस एक साथ जाएंगे स्कूल, और हम लोग का स्कूल 19 तारीख से नहीं 18 तारीख से था, लेकिन हम 19 तारीख जा रहे हैं। हैप्पी मज़ा होगा, यही सिखाया हैप्पी मतलब बहुत मज़ा। दिस बॉय इज़ अ किंडा बोरिंग विद मी, बहुत बोर करता है ये लड़का। कल रात को पता है आपको, बताया था 3:30 बजे तक ना, 3 बजे तक जंगली मूवी देखे हैं और कौन सा मिनी मलेशिया बहुत देर तक खेले हैं। और हम लोग कल स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी किए थे मिनी मलेशिया का, ये मैं वीडियो में डालने के लिए, लेकिन सोचे इतना लंबा वीडियो हो ही गया तो क्यों डाले। आप लोग देख लीजिए जा क्या करनी देखें कोई भी। तो सो कल जंगली मूवी देखे, बहुत मज़ा आ गया, 3 बजे तक देखे, उसके बाद सो गए। और हम तो उठ गए कितना बजे, ये बहुत लेट से उठा है, उसका 1 घंटा हुआ उठना, बहुत पहले उठ गए। सो अभी बने रहिए वीडियो में गाइस, सो जाओ। তোমরা কটার সময় বের হবে বললে? মুড়ে দেওয়ার প্ল্যাটফর্মে অফিস লে পড়ে গেছিলা। তারপরে কি হলো? তারপর তুই কি করলি? আমি আর কি করবো, আমরা তো আসবো। আজকে হিল পড়া আসেনি তো? দুই হাতে ব্যাগ ছিল না। মাতো গোল্লু মোল্লু গোল্লু মোল্লু গোল্লু মোল্লু গোল্লু মোল্লু দিয়ে দরজার সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওখানে কি আছে? মস লোক চল যায়গি আবি সে দেড় ঘন্টে বাদ। আরে যে ইমা পাগলা মগজ চোর, দাদা ভাই আজকে পিছন খারাপ হয়ে গেছে। দাদা ভাই নিজে বললো একটু আগে যে দাদা ভাইয়ের পিছন খারাপ, ও না সরি পিছন ক্যামেরা খারাপ হয়ে গেছে। আবার মানুষের পিছনে ভিডিও, ইয়েস ভিডিও, लास्ट सब निकल रहे हैं, वीडियो ऐटा क्यों ना सच्चे कलो कलो लाइट जली ना लाइट जला, ये बार तो ठीक कर लो। अटा मास्क, रेड रेड मास्क। फाइनली हम लोग मतलब मौसी निकलते, अपने भाई भी जा रहे हैं। सो बहुत दिन बाद फिर ऐसा मौका मिला था मिलने का, अब वापस ये मौका मिलेगा 3 साल बाद, होप करते हैं आप लोग अच्छा ही लगेगा। हाँ 3 साल बाद वापस से मिलेंगे। म्याऊ म्याऊ, पौने 3 बज रहे हैं, हम लोग का ट्रेन शायद से 4:30 तक है।
उन लोग का निकलना अच्छा 2:30 बजे, 2:45 बज रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब निकल जाएंगे उन लोग को वापस अशोक नगर जहाँ बरा जाना है, जैसे कि हम लोग वहाँ जहाँ से आए, और कल हम लोग इस समय हम लोग वहीं पर रहेंगे। और एक बात, मेन पॉइंट आज मेरा रिजल्ट है था, है ना, तो अच्छा है ये ऑनलाइन क्लास में, ये ऑनलाइन एग्जाम कितना ही अच्छा हो सकता है। सो अभी थोड़ा रेस्ट करेंगे, खाना हम खा लिए थे उसी समय, और आप जितने फ़ोटो देखे हैं थोड़ी देर पहले हम लोग लिए हैं लास्ट सेल्फी। अब इसके बाद मेरा 12 का बोर्ड है, मेरे भाई का भी 12, मतलब मेरे आज से 3 महीने बाद उसका 12 में जाएगा, हम अभी 12 में चल जाएंगे। 19 तक जैसे को अपडेट बताया मेरा 19 से अपना क्लास, तो फिर देखते हैं कैसा कैसा होने वाला है। और अभी मेरे फ़ोन में 5% चार्ज है, तो अभी सबसे पहले बैटरी चार्ज करेंगे, अभी रेस्ट करेंगे। सो मिलते हैं शाम के वक्त। अभी कल के लिए पैकिंग चल रहा है ना, सो थोड़ा अच्छा नींद लेने के बाद भाई फ्रेश फील हो रहा है, क्योंकि कल रात जैसे आप लोगों को बताए, कल रात को 3 बजे के आसपास सोए हैं, जंगली मूवी देखे, बहुत सारा अच्छा चल जैसे कि मिली मलेशिया खेला, बहुत कुछ किए कल, अच्छा अच्छा गाना भी गा रहे थे कल रात 11:30 तक। उसके बाद और क्या, ये सब तो फनी मतलब मोमेंट्स होता है, यादगार रहता है इतना, मतलब कि राज लगते हैं इतना कुछ अच्छा अच्छा काम किए हैं। और मेरा भाई, मतलब मेरा भाई उसी समय मेरे मजली मौसी का डेटा हमेशा ऑफ ऑन रहता है, देखते अभी मैसेज करते 3 बजे मम्मी को कि हाई मम्मी अभी मैं सोने जा रहा हूँ, पा सुबह सुबह मेरे मतलब कि मेरे फ़ोन से कहते थे, उसके फ़ोन में उसका सिम नहीं है, तो मेरे फ़ोन से उसको उनकी मम्मी को अपनी मम्मी को मैसेज किया, मम्मी हाई वे सुनने जा रहे थे, मम्मी को अच्छे से हमको सुनना पड़ उसके बच्चे पहले, तो रोज तुम लोग क्या कर रहे, सोता नहीं है क्या, क्या रहा क्या किया तुम लोग, बोले मजा किए और किया। उसके बाद वो लोग पहुँच भी गए, जैसे कि 7:30 बज रहे हैं और संध्या 10 देर पहले हुआ है। और अभी मामा भी थोड़ा जैसे कि आपको बता दें कि कल मामा अपने साथ चल रहे हैं हावड़ा तक या वीर कुमार डूबी धनबाद के पहले, और क्योंकि उनका कुछ काम है। और जैसे को पता था कि मामी अपना और मेरी मामी की बेटी मतलब कि मेरी बहन सुभोश्री गई हुई अपने अपने मामा घर घूमने के लिए, तो शायद वहाँ से मिल के लोग तैतुलमारी जाएंगे, मेरी मतलब कि वो पहले मेरे मामा घर था वो तैतुलमारी, अभी ये फिर ये मेरा मामा घर है, क्योंकि मेरे जितने मामा हैं सब यहाँ पे आ गए हैं शिफ्ट होके, सो ये अब मेरे मेरा मामा घर है, वहाँ भी है लेकिन हाँ वहाँ से जैसे कि वो सब झाड़िया साइड पड़ता है, वहाँ से ज़मीन धस रहा था, धीरे 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 मामा ये फ्लैट ले लिए वहीं पे रहते हैं। सो अभी उतना अच्छा नहीं लग रहा हो, आपको पता ही है आज इतना अच्छा ख़राब लग रहा है, जैसे कि याद कीजिए मेरा भाई अपना एग्ज़ाम कंप्लीट करके अपना बर्थडे 27 तारीख था, और उसका एग्ज़ाम कम्प्लीट 27 को, और 28 को मेरे घर आया मेरे पापा के साथ बाई रोड, जैसे बताया था आपको, अगर आप लोगों ने व्लॉग मिस कर दिया बाई चांस तो प्लीज़ वो जाके देख लीजिए। और उसको 3 दिन रहने के बाद हम लोग निकले दुर्गापुर के लिए उसके घर, उसके घर हम 3 दिन रहे, उसका मेरे घर में उसका पहला बार था, हम फर्स्ट टाइम उसका घर गए, फर्स्ट टाइम उसको मुख्य बात में गए जब हम बहुत छोटे थे, उस समय उतना याद नहीं रहता, तो इस समय हम व्लॉग भी बना रहे थे, ये सब यादगार रहेगा, याद रहेगा कि हम गए थे। सो उसके बाद वहाँ से निकलने के बाद मेरा
इस भाई के घर जो मेरे ब्लॉग में एकदम से देर दो दिन से देख रहे थे वो मेरे मझला मझली मौसी का बेटा है। सो वो उसके घर में तीन दो दिन रहे और आज यहाँ तीन दिन हुआ दो दिन हुआ और उसकी लड़की मौसी आई, भाई गया, मौसी भी चली गई और हम लोग भी चले जाएंगे। कल अपना शक्तिपुंज ट्रेन है, वेज में ट्रेन है, अपने देख लिए हैं। पहले क्या होता था कि पापा ने कोई भी ट्रेन हुआ करते थे, पहले छोटे से हमारे पापा देखने रहते थे इस ट्रेन में कौन सा ट्रेन कब कौन सा ट्रेन आ रहा है, कौन सा प्लेटफॉर्म से पूछताछ करना होता। लेकिन हाँ, यहाँ प्लेटफॉर्म का पता नहीं चलता है कि कौन से प्लेटफॉर्म में आ रहा है, भले ट्रेन का नाम टाइमिंग बता देगा। सो या सो कल अपना 1:30 बजे कुछ आसपास शक्ति ट्रेन है और अपने को पहुँचा देगा धनबाद आसपास 6:30 फिर ऐसा कुछ आसपास एग्जैक्टली पहुँच गए 6:30 तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। और मामा भी शायद अपना जा रहे हैं घर तरफ। सो आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे एंड। होप करते हैं आप लोग को छोटा सा बहुत छोटा ब्लॉग था, होप करते हैं आप लोग अच्छा लगा होगा। और अच्छा नहीं लग रहा है, तीन दिन इतना मतलब कि अच्छा लगा। ओहो धनी से उठने का थोड़ा ठंडा लगता है। और शुभम का फ़ोन किए तो वो बोला कि धनबाद से थोड़ा बारिश अभी भी हो रहा है और शाम को बारिश हो भी रहा था। इस साइड तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है बारिश हुई से, लेकिन हाँ थोड़ा कोल्ड वेदर था, बादल था, हमको लग रहा बारिश नहीं तो हो रहा है। तो शुभम से फोन कॉल करने के बाद पता चला यहाँ से जाते बहुत सारा अपना काम स्टार्ट हो जाएगा, जैसे कि अपना सारा कॉपी किताब, उसके बाद अपना ड्रेस भी अपना सिलवाने के लिए देना है कपड़ा खरीद के। 19 तारीख से अपना स्कूल डे ओपन हो रहा है, देखते हैं कि एक साल बाद अपना कैसे फीलिंग आता है। बहुत अच्छा लगे एक साल बाद क्लास 11 सी एक बार वो अपना क्लास में नहीं घुसे हैं आज तक, मतलब घुसने का मौका था जब हम अपना सेकेंड सेमेस्टर पेपर सबमिट करने गए थे, फिर भी मन नहीं किया उसने, क्योंकि हम लोग को हम जब ऊपर जाना अलाउड नहीं था। 9F या फिर 9C ऐसा कुछ क्लास में हम लोग को पेपर जमा करना था, 11 से उसके ऊपर है, सो नहीं जाने मिला। लेकिन हाँ देख लिए हैं, जब हम लोग क्लास 10 में थे हम देख लिए थे क्लास 11 कैसा है जबकि बोर्ड के पहले। तो ऐसे जाना है, जैसे को पता है कि टाइम डिवाइड हो गया, टाइम बोल रहा है डेज डिवाइड हो गया है। अगर 60 बच्चा है तो 1:30 जाएगा एक दिन, फिर 30-60 जाएगा दूसरे दिन, ऐसे करके हो रहा है। सो बढ़िया ही है ऐसे करके, हम लोग को कोई उतना ज़्यादा मतलब स्पेस बना रहेगा, एक एक बंच मियाँ के साथ बैठा रहे शायद से उतना लगता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, डू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब टू दिस चैनल।